तो भाई लोग आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि क्रिश 4 को लेकर के काफी बड़ी रूमर्स और अपडेट्स ये निकल के आ रहे हैं कि इसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है। साथ में इसकी शूटिंग को लेकर के काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स को लेकर के निकल के आ रही है और क्या पूरी बच्चों से चलिए, क्या प्रॉमिस चल रहा है, इन्हीं चीज को मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लेना, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले भाई मैं इसके बारे में ये बता दूं, इसकी शूटिंग को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है, जो कि बताया जा रहा है कि अगले मंथ के फर्स्ट ऑफ द वीक में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। ऐसी भाई काफी बड़े रूमर्स निकल के आ रहे हैं। साथ में बताया जा रहा है इसकी रिलीज डेट जो बताई जा रही है 1 मई 2025 को इसको रिलीज करने की बात चल रही है। हाँ भाई, इसकी रिलीज डेट जो बताई जा रही है 1 मई 2025 को, देखो एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है भाई। बात इसकी हो गई। दूसरी चीज बताई जा रही है इसके अंदर हमें फिर दोबारा जादू रिटर्न देखने को मिलेगा। भाई देखो, हमें पहले से पता था लेकिन अब ऐसी कंफर्मेशन न्यूज निकल के आ रही है कि हमें जादू फिर दोबारा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में इसकी स्टोरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि राकेश रोशन की तरफ से निकल के आ रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई 2013 के आसपास भाई हमें क्रिश 3 देखने को मिली थी और उसके भाई लगभग 10 से 11 साल के बाद हमें भाई क्रिश 4 देखने को मिलने वाली है। क्योंकि राकेश रोशन का ये कहना है कि उन्होंने ये बताया कि भाई हम मुझे एक परफेक्ट स्टोरी चाहिए थी, क्योंकि भाई स्टोरी देखने के बाद लोगों के अंदर ये लगे कि भाई मजा आ गया। हाँ भाई, बताया जा रहा है कि मूवी के 15 मिनट के अंदर में कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि भाई तुम्हारे गूज़बम्प्स क्रिएट कर देगा, राकेश रोशन का ऐसा कहना है। देखो भाई, एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है भाई, क्योंकि भाई उन्होंने खुद दावा किया है कि ये मूवी भौकाल और भौकालिक निकल के जरूर निकलेगी भाई। और एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसे काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीवर्स का भी कुछ ना कुछ रोल देखने को मिलेगा। इसमें भाई हमें ईविल क्रिश भी देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखो भाई, गूज़बम्प्स इसी चीज से क्रिएट हो जाते हैं कि भाई ईविल क्रिश देखने को मिलेगा, साथ में मल्टीवर्स भी देखने को मिलेगा। साथ में राकेश रोशन का ये कहना है कि इसके अंदर स्टोरी ऐसी होने वाली है कि 15 मिनट के अंदर तो हमारे गूज़बम्प्स क्रिएट हो जाएंगे। तो भाई इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब चीजों से सुनने के बाद भाई मेरे खुद के गूज़बम्प्स क्रिएट हो गए, तो तुम्हारे भाई पक्का गूज़बम्प्स क्रिएट हो गए होंगे और एक्साइटमेंट तुम्हारी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होगी। तो सोच के देखो भाई किस लेवल पे इस मूवी को बनाया जा रहा है और एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ जाती है। तुम अपने कमेंट्स में बताओ कि तुम अभी के लिए कितना एक्साइटेड हो चुके हो और तुम्हें क्या लगता है भाई ये जो मूवी रिलीज होगी तो किस किस के बॉक्स ऑफिस को फाड़ के जाएगी, अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और कहीं से वीडियो में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के लिए अलविदा लेता हूँ, तब तक ख्याल रखिएगा। Bye-bye.